नमस्कार, आप देख रहे हैं द नेशनल टीवी। मैं हूं आपके साथ वंशिका चौहान और आज हम बात करने वाले हैं उमर रियाज और प्रतीक सहजपाल के बारे में। बहन को गाली देने पर उमर रियाज ने प्रतीक सहजपाल की उधेड़ी बखिया, बोले औकात में रहे। बिग बॉस 13 के फर्स्ट रनर अप रह चुके आसिम रियाज के भाई उमर रियाज को गेम बिग बॉस 15 में फैंस द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है। जब मीडिया ने उमर रियाज को टॉप 5 में नहीं रखा तो फैंस की ओर से सोशल मीडिया पर उन्हें खूब सपोर्ट मिला। हाल के दिनों में घर की शोभा बढ़ाने वाले मीडिया से बातचीत करने के बाद कुछ चौंकाने वाले खुलासे हुए। इन खुलासों के बाद घर में मौजूद कंटेस्टेंट्स को आपस में भिड़ते हुए भी देखा गया। बीते एपिसोड में उमर रियाज और प्रतीक सहजपाल के बीच तगड़ी लड़ाई देखने को मिली। इस लड़ाई के दौरान प्रतीक सहजपाल ने उमर रियाज की बहन तक को गाली दे दी। बहन के लिए गाली सुनने के बाद उमर रियाज ने प्रतीक को खूब लताड़ लगाई। इतना ही नहीं, उमर ने प्रतीक को धमकी देते हुए कहा कि अपनी लिमिट में रहो और उन्हें याद दिलाया कि जैसे वो अपनी माँ को सबसे ऊपर मानता है, वही बात उसकी बहन के लिए भी लागू होती है। वीडियो में उमर को ये कहते हुए सुना गया था कि औकात में रहे, तेरे लिए अगर माँ बड़ी है तो मेरे लिए बहन बहुत बड़ी है, तू ये नहीं बोल सकता। उमर आगे कहते हैं कि अपनी लिमिट क्रॉस मत कर, मेरे साथ ये सब करने की जरूरत नहीं है। प्रतीक और उमर के बीच हुई लड़ाई को निशांत भट्ट, विशाल कोटियान और करण कुंद्रा ने देखा था। वीडियो को साझा करते हुए कलर्स टीवी ने अपने इंस्टाग्राम कैप्शन में लिखा, एक बार फिर बिग बॉस 15 के दो शेर आ चुके हैं आमने सामने। आखिर इस लड़ाई की क्या होगी वजह? इसके अलावा रिपोर्ट्स की माने तो सिम्बा नागपाल को मेकर्स ने घर से बाहर करने का फैसला लिया है। सिम्बा नागपाल को मीडिया ने बॉटम 6 में रखा था। आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द नेशनल टीवी वंशिका चौहान के साथ। साथ ही हमें सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। धन्यवाद।